वहीं 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले बूथ लेवल अधिकारियों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने धर्म युद्ध छिड़ गया है। सपा ने आरोप लगाया कि सीसामऊ में मुस्लिम बीएलओ को हटाकर उनकी जगह गैर मुस्लिम बीएलओ की नियुक्ति की गई है, यह लोकतांत्रिक है। सपा ने सवाल खड़े किए कि ऐसे निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। दस सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी ने अफसरों के पोस्टिंग ट्रांसफर पर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया था कि जहां जहां उपचुनाव हैं, वहां से मुस्लिम यादव अधिकारियों को जानबूझकर हटाया जा रहा है। अब सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीसामऊ विधानसभा से मुस्लिम बीएलओ को हटाया गया है और उनके स्थान पर गैर मुस्लिम बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। सपा ने चुनाव आयोग को हटाए गए मुस्लिम बीएलओ की लिस्ट भी सौंपी है, साथ ही ऐसा करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सपा ने आरोप लगाया कि बीएलओ को धर्म के आधार पर हटाया गया है, जो कि गैर लोकतांत्रिक है। उपचुनाव से पहले मुस्लिम बीएलओ की छुट्टी पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। जिस प्रकार से चिन्हित करके कुछ बीएलओस को हटाया गया है, उसकी कुछ उदाहरण स्वरूप ने समाजवादी पार्टी ने दी हैं और ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। वो जान रही है कि आने वाले उपचुनाव में 10 की 10 सीट वो हार रही है भारी अंतर के साथ, इसलिए उसे इस प्रकार के प्रपंच रचने पड़ रहे हैं। कि समाजवादी पार्टी ने जो नैरेटिव गढ़ा था लोकसभा के चुनाव के अंदर, संविधान को खत्म करने का, आरक्षण को समाप्त करने का, आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, ये सारे नैरेटिव जनता के सामने फेल हो गए हैं। बहरहाल सीसामऊ से पहले कुंदरकी में हटाए गए बीएलओ को लेकर भी सपा ने सख्त तेवर अपनाए थे। कुंदरकी में भी सपा ने हटाए गए बीएलओ का धर्म खोजकर यूपी सरकार को घेरा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।